हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के लाइट के पूरे सारांश की कि आपने क्या क्या पढ़ा है, और इसके साथ साथ रिविजन्स खास तौर पे न्यूमेरिकल जो फार्मूले पे बेस्ड होंगे उसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं उस। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पे ऑब्जेक्टिव व्यू के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों का जो चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था परावर्तन और अपवर्तन। तो परावर्तन की बात करें, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक ही था परावर्तन, तो अगर परावर्तन की हम बात करें तो दो चीज़ों में परावर्तन की घटनाओं को पढ़ना था जो हम लोगों ने अध्ययन किया। एक तो समतल दर्पण में परावर्तन, और दूसरा जो परावर्तन हम लोग को पढ़ना था वो था गोलीय दर्पण में। समतल दर्पण की परावर्तन की घटना अगर देखें तो परावर्तित किरण और क्या होता है कि किसी भी बिंदु पे लंब डालते हैं तो समतल दर्पण के लिए वो अभिलंब होता है। तो आपतित किरण आपतन कोण बनता था और परावर्तन कोण। और परावर्तन की घटना में होता क्या है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये हर स्थिति पे समतल दर्पण के हरेक बिंदु पे ये चीज लागू है, क्योंकि इसका फोकस अगर देखें तो समानांतर आएगा तो अनंत से आती है, और इसका फोकस भी जो होता है वो अनंत ही होता है, क्योंकि इसकी जो किरणें काटेगी वो कहीं कटेगी नहीं। इसलिए तथा इसकी अगर देखें, समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे कि इसकी जो वस्तु दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। हाँ, वस्तु दूरी निगेटिव होती है परंतु प्रतिबिंब दूरी इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये चीज दोनों क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी इसमें बराबर होता है, और इसमें आकार जो होता है मतलब HI बराबर होता है, या HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है। इसके प्रतिबिंब की ये एक खासियत है। और आगे क्या है कि ये काल्पनिक होता है, मतलब मूल रूप से ये पीछे ही बनता है, तो ये इमेजनरी इमेज बनता है। इसका जो प्रतिबिंब होता है, और ये प्लस साइन यही बताता है कि यह क्या है, काल्पनिक है। अगर देखें तो ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, तो इसका प्लस साइन ये बताता है कि ये कैसा बना है, सीधा बना है। हाइट ऑफ इमेज अगर प्लस में है तो मतलब सीधा बना है, अगर प्रतिबिंब दूरी प्लस में है तो कैसा बना है, काल्पनिक बना है, और काल्पनिक सीधा बना है। और तथा जो आकार है हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि सीधा और समान बना है, मतलब समान आकार का बना है। इस कारण से इसका जो आवर्धन होता है, जो m होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, 1 के बराबर होता है। चूंकि काल्पनिक प्रतिबिंब है इसलिए इसका आवर्धन +1 होगा। आगे बात करते हैं हम गोलीय दर्पण के खास गुणों के बारे में। तो गोलीय दर्पण में पढ़े थे, सबसे पहला एक सूत्र पढ़े थे, F = R/2। ऐसे गोलीय दर्पण में दो प्रकार के दर्पण हम लोग पढ़े हैं, एक पढ़े हैं अवतल और दूसरा पढ़े हैं उत्तल। इन दोनों में एक खास अंतर ये है कि ये धसा होता है, मतलब ये ऐसा होता है, धसा था, और ये क्या था, ये उठा होता है। कुछ कुछ जो सिंबॉलिक टर्म थे वो तो दोनों में सेम ही थे, जैसे आपका ध्रुव हो गया, ये इसमें भी आपका इसमें ध्रुव हो गया। हाँ, इसमें फोकस जो होता है वो इधर होता है, और इस कारण से इसकी फोकस दूरी जो होती है अवतल दर्पण की वो निगेटिव होती है, जबकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव निगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसका फोकस जो है वो है क्या, वास्तविक फोकस है, और इसका फोकस पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि इसका फोकस क्या है, काल्पनिक फोकस है। तथा इस फोकस को वक्रता त्रिज्या एक आता है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या हम लेंगे निगेटिव होगी, और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पॉजिटिव होगी। परंतु इन दोनों में एक संबंध है, और वो संबंध क्या है, F = R/2 है।
इसमें संबंध क्या है, एफ बराबर आर बाई टू है और ये उत्तल में भी लागू है और ये अवतल में भी लागू है। अब अगर आगे देखें तो इसमें एक अगला सूत्र आया, वो था प्रतिबिंब दूरी। तो इसमें चूंकि प्रत्येक प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं, वस्तु दूरी तो दोनों के लिए निगेटिव ही होगा, इसलिए चूंकि वस्तु कभी काल्पनिक नहीं हो सकती, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या होगा, चाहे उत्तल में हम वस्तु लें चाहे अवतल में लें, दोनों के लिए वस्तु दूरी क्या होगा, वस्तु दूरी जो होगा, चूंकि वास्तविक दूरियां जो होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है दर्पण में, तो इसलिए यहाँ पे क्या है। अब प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब इसमें प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, परंतु इसमें हमेशा प्रतिबिंब दूरी प्लस में ही आएगा, और प्लस में ये बता रहा है कि ये कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी है वो प्लस भी होगा माइनस भी होगा, और माइनस ये बताएगा कि ये वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है, मतलब इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों का मतलब एफ यू और वी का एक संबंध बताया गया, और इस संबंध को बोले, इस संबंध का नाम पड़ा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, और इस दर्पण सूत्र में कहते हैं 1/f मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम, उसके वस्तु दूरी के व्युत्क्रम और उसके प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये हमारा दर्पण सूत्र था। वहीं इसकी अगर बात करें तो दोनों में हम अंतर करते हुए जो दोनों के लिए लागू है उसको हम बीच में लिखते चल रहे हैं, और जो दोनों का अलग अलग पोर्शंस में हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं। अब अगर बात करें इसके आवर्धन की, तो चूंकि ये आवर्धन एक आता है, आवर्धन का मतलब होता है विशालता, तो इसका आवर्धन क्या होगा, इसका आवर्धन जो होगा ऑलवेज एक से छोटा होगा, ऑलवेज एक से क्या होगा, छोटा होगा, जबकि इसका आवर्धन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, किसका, जो एक से मतलब एक से बड़ा होने का मतलब है, आवर्धन एक से छोटा होने का मतलब है प्रतिबिंब छोटा बना है, आवर्धन एक से बड़ा होने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो एक से बड़ा है, मतलब बड़ा बना है, और एक के बराबर होने का मतलब है। हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस इसके आवर्धन से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इसका आवर्धन कुछ भी आ सकता है, खासतौर पे किसका, अवतल दर्पण का, जबकि उत्तल का आवर्धन जो आएगा हमेशा क्या होगा, एक होगा। छोटे प्रतिबिंबों के कारण हम उत्तल दर्पण का प्रयोग मूल रूप से साइड मिरर के रूप में करते हैं, मतलब जो गाड़ियों में पश्चिम दृश्य पीछे के दृश्यों को देखने के लिए जो बनाया जाता है उसके तौर पे साइड दर्पण, साइड मिरर के रूप में हम यूज करते हैं। वहीं अगर अवतल दर्पण का प्रयोग करें तो किसी भी दूर चीजों को फोकसित करने के लिए, एक बिंदु पर फोकसित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, और अवतल दर्पण का प्रयोग मूल रूप से हेड लाइट में होता है, हेड लाइट में, या कहीं कहीं चेहरा देखने में भी करते हैं, चेहरा देखने में, और कभी कभी अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने के लिए, वास्तव में चेहरा देखने के लिए तो समतल करेंगे। हाँ, इसका प्रयोग हम किस में करेंगे, इसका प्रयोग हम करेंगे दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, चूंकि ये छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाता है और बड़ा दिखाने का। हाँ, एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि आप बताइए कि आप बिना छुए उत्तल, अवतल और समतल की पहचान कैसे करेंगे, तो जो तीनों में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो तीनों में बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, जो तीनों में बनता है, समतल में, अवतल में, उत्तल में। तो इसलिए हम करते क्या है कि उत्तल का जो काल्पनिक होता है उसकी आवर्धन एक से कम होती है, अवतल का जो काल्पनिक होता है एक से ज्यादा होती है, मतलब अवतल में बड़ा काल्पनिक बनता है, उत्तल में छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और समतल में समान काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इससे हम एक वस्तु को अलग अलग दर्पणों के सामने लेके जाएंगे, अगर जिसमें जो प्रतिबिंब बन रहा होगा उस दर्पण में अगर छोटा होगा तो वो दर्पण उत्तल है, बड़ा प्रतिबिंब होगा तो अवतल है, और समान आकार का होगा तो समतल है। तो बिना छुए हम आसानी से बता सकते हैं।
इसका प्रयोग कहीं कहीं चिकित्सक के रूप में भी किया जाता है। जो चिकित्सक होते हैं वो किरणों को फोकसित करने के लिए, एक खास स्थान पर फोकसित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जो चिकित्सक होते हैं या दंत चिकित्सक होते हैं वो सब इसका प्रयोग करते हैं। खदानों में प्रयोग किया जाता है। तो ये अगर देखें तो आपका ये दर्पण का, दर्पण में जो पढ़ाया गया था, बताया गया था, समझाया गया था, वो ये सारांश के तौर पे आपका है। इसको आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लें और इस चीज़ देखें। इसमें हमने कोशिश किया कि वो सारे चीज़ आपका सम्मिलित हो जाए जो कि आप पूरी तरह से पढ़े हैं। अब हम अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट आपका है अपवर्तन, ठीक है, इसको मिटाते हैं दोस्तों। अपवर्तन, परावर्तन में ये सारे चीजों की घटनाएं को पढ़ना था। अपवर्तन, तो चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं अपवर्तन। अपवर्तन, अपवर्तन में हम लोग मूल रूप से, जैसे अपवर्तन की घटनाओं पे निर्भर कौन कौन करता है, जैसे तारों का टिमटिमाना एक अपवर्तन की घटना, ये बहुत बार पूछा गया है, तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना। डूबी वस्तु का तिरछा दिखना, ये भी किसकी कंडीशंस, किस कारण से है, तो ये इसके पीछे भी जो रीजन है वो अपवर्तन ही है। अब इसमें भी हम दोनों टुकड़े को बात करते हैं। एक तो हम लोग पढ़े थे समतल कांच द्वारा, समतल कांच, और दूसरा हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण, परंतु यहाँ पे हम गोलीय सतह, जिसको लेंस भी कहेंगे, गोलीय सतह की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अपवर्तन को समतल कांच में, जैसे हम एक कांच ले लिए, ये फिगर में बहुत सारे किरणों को समझने की जरूरत होती है। अब ये कांच है, ये क्या है, कांच है, और ये हवा है, और ये बाहर भी क्या है, हवा है, और ये कांच है। हमने कहा था कि कोई किरण जब आती है और किसी पृष्ठ पे पड़ती है तो उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये आपतित किरण हो गया, जिस बिंदु पे पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, तो ये आपतन बिंदु हो गया, और इस पे जो लंब डालते हैं उसे हम अभिलंब कहते हैं, तो ये हमारा अभिलंब हो गया। और ऐसे तो परावर्तन की घटना में क्या होती है, ये उधर ही लौट जाती है, परंतु ये क्या, जाना चाहिए था इसको इधर, परंतु ये कांच होने के कारण, कांच में प्रकाश की चाल कम होने के कारण क्या होता है कि यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो ये इधर आएगी। अब यहाँ से फिर से एक सतह मिला जहाँ से इसका क्या है, माध्यम चेंज हो रहा है, तो इस बिंदु के लिए, इस किरण के लिए, यहाँ पे तो ये अपवर्तित किरण है इस पॉइंट के लिए, परंतु इस पॉइंट के लिए ये आपतित किरण है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट के लिए, पॉइंट ए इसको नाम दे देते हैं, पॉइंट ए के लिए ये जो किरण है, ए बी किरण, मान लेते हैं ओ से किरण आ रहा है, तो ओ से ए जो है ये आपतित किरण है, और ए भी अपवर्तित किरण है पॉइंट ए के लिए, परंतु इस पॉइंट बी के लिए ये आपतित किरण है, और ये जाना तो चाहिए था इधर, परंतु कंडीशंस यहाँ पे क्या है, हो रहा है कि ये आपतन बिंदु इस पॉइंट के लिए हो गया, तो यहाँ पे अगर लंब डालें तो यह अभिलंब हो गया, और इसको जाना इधर चाहिए था, परंतु क्या है कि हवा में जो प्रकाश की चाल होती है कांच की अपेक्षा तीव्र होती है, तो ये थोड़ा अभिलंब से दूर विक्षेपित होगा, और विक्षेपित होके ऐसे निकलेगा। अब इस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण, इसको बोलते हैं निर्गत किरण, और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो अब अगर देखें तो ये दोनों एक दूसरे से समानांतर है, आपतित किरण और अपवर्तित निर्गत किरण समानांतर है, तो इन समानांतर किरणों के बीच की जो दूरी है, खासतौर पे आपतित किरण और निर्गत, इस दूरी को ही बोलते हैं पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन, इस दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की, समानांतर किरणों के बीच की जो दूरी है, या मतलब आगे बढ़ाने के बाद हम देख सकते हैं कि ये समानांतर दिखेगी, तो इसकी दूरी को हम पार्श्व विस्थापन बोलेंगे। आगे एक समतल सतह में जो और भी आता है, एक तो हो गया आयताकार, यहाँ पे
अगर देखें पार्श्व विस्थापन बराबर ये दूरी कितना होता है, तो पार्श्व विस्थापन बराबर हमारा सूत्र के तौर पे अगर हम निकालना चाहें तो ये हम निकाल सकते हैं, जो कांच की मोटाई अगर बढ़ेगी तो ये पार्श्व विस्थापन बढ़ेगी, तो टी मतलब कांच की मोटाई इंटू साइन आई, साइन आई मतलब आपतन कोण, और माइनस आर वन मतलब ये अपवर्तन कोण, इसका मान अपवर्तन कोण बटर आई माइनस आर वन, ये एंगल है, और बटा कॉस आर टू, इससे हम पार्श्व विस्थापन निकाल सकते हैं। अगर कहा जाए कि इसका कोण का मान अगर है हमारा 60 डिग्री और यहाँ पे इसका मान है 45 डिग्री, हाँ यहाँ पे सोचने वाली बात है, देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, कभी भी आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये आपतन कोण है और तो अपवर्तन कोण बराबर होगा, वो परावर्तन के नियम में बराबर है, यहाँ पे बराबर वो नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखें जैसे मान लेते हैं कि ये 60 है, ये 30 डिग्री पे कन्वर्ट हो गया, कितना डिग्री, चूंकि घट गया तो ये घट जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, ये घटेगा तो ये वास्तव में अपवर्तन ये होगा, तो ये 30 डिग्री घट के कितना डिग्री पे आ गया, 30 डिग्री पे, और ये फिर से ये यहाँ पे समानांतर गया है तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब हम लोग आर टू यहाँ पे कहेंगे इसको, तो ये फिर बढ़ा है और बढ़ के मान लेते हैं कि पूरा 60 तो नहीं हो पाया, या मान सकते हैं कि आर टू और आर वन दोनों, चूंकि ये आई टू हो जाएगा, ये आई टू और आर टू, तो आई टू आर टू क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं कि क्या आएगा मोटाई, तो इस कोण से तो टी मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना हम क्या करेंगे, हाँ एक बात और, चूंकि सेंटीमीटर मोटाई का मात्रक नहीं होता, मोटाई का मात्रक होता है मीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 2 बटा क्या हो जाएगा 100 गुने, अगर आई आई का मान 60 है तो साइन आई 60 माइनस 30 तो कितना हो गया साइन 30 का मान कितना है 1/2, अब बट्टा क्या कर देंगे बट्टा कॉस आर टू का मान भी उतना ही आ जाएगा, चूंकि आर टू का मान कितना होगा, आर टू का मान यहाँ पे 60 है तो ये भी 60 होगा, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 से 1/2, तो जितनी मोटाई है उतना ही लगभग पार्श्व विस्थापन हमारा प्राप्त होगा ऐसे सिचुएशंस में, तो कोण वैरी करने पे क्या होगा, ये चीज वैरी कर जाएगा। अब हम प्रिज्म को समझते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे पार्श्व विस्थापन बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक है दोस्तों, जब पार्श्व विस्थापन बराबर आप फार्मूला समझ गए होंगे, ये आर टू है आपका, यहाँ पे आर टू नहीं, ये आर टू है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं, ये पार्श्व विस्थापन सघन माध्यम में रखी वस्तु विरल माध्यम में देखी जाती है, तो हाँ यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि पानी में कोई रखी हुई वस्तु है, क्या है दोस्तों पानी में, तो अगर सघन से विरल में देखा जाए, याद रखें ये चीज बहुत बार पूछा जाता है कि अगर सघन से विरल में, मतलब पानी सघन होता है, इधर पानी है रखा हुआ, ठीक है, और ऊपर क्या है हवा, तो हवा क्या है, हवा विरल है, और पानी क्या है, पानी हमारा सघन है, तो अगर कोई व्यक्ति सघन माध्यम में रखी वस्तु को, यहाँ पे कोई सिक्का रखा हुआ है, सघन माध्यम में रखा हुआ वस्तु को अगर देखता है तो इसकी जो आभासी गहराई होती है, आभासी मतलब जो उसे आभास होता है, आभासी गहराई मतलब ये जो आभास होगा ये कम होगा वास्तविक गहराई से। जैसे आप देखते होंगे कि अगर किसी बाल्टी में कोई चीज, तो बाल्टी का तली क्या होता है, ऊपर दिखता है, क्यों, क्योंकि हम कहाँ से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं विरल माध्यम से, हवा से देख रहे हैं पानी में, इसलिए क्या होता है आभासी गहराई कैसा दिखता है, कम दिखता है वास्तविक गहराई से, मतलब वास्तव में उतना ही गहरा नहीं है जितना दिख रहा है वास्तविक गहराई से। परंतु अगर कोई नदी है और इस नदी में कोई आदमी तैर रहा है और ये ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है दोस्तों, ये ऊपर देख रहा है, तो इसको जो ऊपर की दिखेगी, अगर विरल माध्यम में रखी वस्तु सघन माध्यम से देखी जाए
तो आभासी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा होगी। मतलब आभासी जो ऊंचाई होगी, यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो इसकी ऊंचाई ये लंबा दिखेगा पानी से, वो बाहर का आदमी क्या दिखेगा, लंबा दिखेगा। आभासी ऊंचाई बड़ा होगा, ज्यादा होगा किससे, वास्तविक वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे कि अगर विरल से सघन में देखी जाए तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से क्या होगा, कम होगा। अगर सघन से विरल में देखी जाए, सघन से विरल में देखी जाए तो क्या होगा, वास्तविक गहराई आभासी गहराई से कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। आगे जो एक टुकड़ा हम लोग को पढ़ना था वो था प्रिज्म, तो प्रिज्म की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आप गहराई वाला आभासी और वास्तविक बाल्टी की तली वाला समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, एक समतल कांच तो होता है कांच, और एक होता है प्रिज्म, मतलब समतल सतह के लिए प्रिज्म। प्रिज्म की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि इसकी दो त्रिभुजाकार फलकें होती है और तीन फलक आयताकार होती है, एक दो और इधर एक साइड वाला तीन फलक। अब इस चीज को हम निरूपित करने के लिए हमेशा क्या करते हैं कि इसके त्रिभुजाकार फलक में, मतलब जो दो आयताकार फलक जुड़े होते हैं, जिस कोण पे जुड़े होते हैं, उस कोण को हम बोलते हैं प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और अपवर्तन वाली सतह के बीच झुकाव 0 डिग्री तथा 180 डिग्री के अतिरिक्त हो, मतलब जिधर भी अपवर्तन होता है ये एंगल कभी भी 0 नहीं हो सकता और ना ही 180 हो सकता है, तथा इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। और जब कोई किरण इससे में प्रवेश करती है तो ये तो आपतित किरण, परंतु ये सतह पे दूसरा माध्यम है तो यहाँ पे अभिलंब हो गया, और ये अपना जाना तो इधर चाहिए था परंतु ये जाएगा थोड़ा मुड़ के ऐसे चला जाएगा, और ये फिर क्या होगा कि इसको जाना इधर चाहिए था, चला इधर गया और फिर से चेंज होगा, तो अब अभिलंब इधर है तो अब ये क्या करेगा, जाना इधर चाहिए था, अभिलंब से दूर जाएगा तो थोड़ा इधर हो जाएगा। अब देखें तो इन दोनों के जो बीच का कोण बन रहा है, ये वाला कोण, मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण बन रहा है, यह कोण ही कहलाता है डेल, यानी विक्षेपण कोण। क्या कहलाता है, विक्षेपण, विक्षेप, विक्षेप। और इस कोण का मान निकालने के लिए यह कांच किस चीज का बना हुआ है इस पर निर्भर करता है, तो विक्षेपण बराबर होता है म्यू, मतलब उस कांच का अपवर्तनांक जिससे वो बना है, -1 इनटू ए। पतले प्रिज्म पे ये लागू है, अगर विक्षेपण कोण किसी प्रिज्म का निकालना रहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि अपवर्तनांक में घटा के प्रिज्म कोण से क्या कर दें, गुना कर दें, तो आपको निकलेगा। ये म्यू कैसे निकालेंगे, तो ये पतले प्रिज्म पे लागू है, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर साइन इंटू ए प्लस ए मतलब प्रिज्म कोण डेल एम कि कितना विक्षेपित हुआ है, बटा साइन ए बटा टू। तो ये आपका क्या हो गया, अपवर्तनांक, किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना हो और विक्षेपण दिया गया हो और आपका प्रिज्म कोण दिया हुआ हो तो आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं किस माध्यम से, तो साइन के मान में वैल्यू रख के आप आसानी से उसका क्या कर सकते हैं, विक्षेपण निकाल सकते हैं। दोस्तों आगे कहता है कि पतले प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है इससे कोई भी निकल सकता है, जो वर्ण विक्षेपण होता है, क्योंकि प्रिज्म क्या करता है, वर्ण विक्षेपण करता है, वर्णों को अलग करता है, तो जो वर्ण विक्षेपण होता है वो मतलब किरणों को विक्षेपित कर देता है, कितना और विक्षेपित करता है, तो डेल कितने का वर्ण विक्षेपण किया है, तो डेल भी मतलब बैगनी वायलेट का वर्ण विक्षेपण कोण माइनस रेड लाल का वर्ण विक्षेपण, और यही कुल वर्ण विक्षेपण बराबर कि कुल कितना डिग्री वर्ण विक्षेपित हुआ है, इस चीज से हम निकाल सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे का जो पार्ट होता है वो होता है अपवर्तन में गोलीय सतह,
तो गोलीय सतह की बात कर लेते हैं थोड़ा, कि गोलीय सतह किस रूप में कार्य करती है। तो गोलीय सतह क्या है दोस्तों, कि गोलीय सतह हमें पता है कि दो टाइप का होता है, एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। परंतु इस गोलीय सतह को जिसपे अपवर्तन पड़ रहे हैं, इस कंडीशन में इसे बोलते हैं लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हम लोग क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। और जो उत्तल लेंस होता है ये लगभग सारे प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। तो ये जो इसकी ऐसे वस्तु दूरी तो दोनों की निगेटिव ही होगी, प्रतिबिंब दूरी इसका प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ये माइनस और इसकी जब भी होगी प्रतिबिंब दूरी, तो ये क्या करता है, प्रतिबिंब दूरी माइनस बनाता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, प्रतिबिंब दूरी में थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वो उल्टा कॉन्सेप्ट क्या है कि अवतल लेंस में यानी लेंस में बनने वाला काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो निगेटिव दूरी रखता है। काल्पनिक प्रतिबिंब निगेटिव रखता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब इसमें धनात्मक हो जाता है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी सब चीज पीछे वाले जैसा ही है। अब जो लेंस किरणों को जितना मोड़ेगी उसकी उतनी क्षमता होगी, और इसलिए कहते हैं कि लेंस की क्षमता किरणों को कम मोड़ती है, मोटा लेंस ज्यादा मोड़ती है, तो उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। हाँ, जब इसका मात्रक डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का, जिसको पावर ऑफ लेंस भी कह सकते हैं, तब ये फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। फिक्स है कि मीटर में फोकस दूरी होना चाहिए तभी डायोप्टर होगा। ठीक है, मतलब फोकस दूरी किसी चीज में दिया हुआ रहे तो आपको क्या करना है, आपको उसको किस में बदल देना है, आपको बदल देना है उस फोकस दूरी को मीटर में बदल देना है। अब इसके जो इन तीनों के संबंध हैं, उस संबंध को हम जिस रूप में जानते हैं, उस रूप को जानते हैं लेंस सूत्र के नाम से जानते हैं। और लेंस सूत्र क्या कहता है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम बनने वाले वस्तु दूरी मतलब और प्रतिबिंब दूरी के वियोग के बराबर होता है, व्युत्क्रम के वियोग के बराबर होता है। मतलब वो 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। यहाँ पे आवर्धन का फार्मूला जो होता है, यहाँ पे आवर्धन जो होता है था वो माइनस में होता था, परंतु यहाँ जो आवर्धन होता है वो होता है माइनस भलुक भी बटा यू या HI/HO, यानी वस्तु दूरी बटा प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, या कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पॉजिटिव में आवर्धन लिया जाता है, वहां निगेटिव में लिया जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला प्रतिबिंब है काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, निगेटिव में है। तो इस साइन बदलने के कारण, यही साइन बदलने के कारण ये दोनों का आवर्धन सूत्र का साइन बदल गया है। आगे कुछ कुछ आपको प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाशीय उपकरण पढ़ने हैं, ये चीज आप समझ गए होंगे। इसमें हमने बात किया था, अब अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये चीज आप जान लीजिए कि मानव नेत्र जो होता है वो उसमें हमारा उत्तल लेंस होता है, और जो दूरबीन उरबीन बनाया जाता है उसमें हम अवतल लेंस का भी प्रयोग करते हैं। तो ये आवश्यकता के अनुसार हम प्रकाशीय यंत्र बनाने वक्त उत्तल और अवतल उसके गुणों के आधार पे हम लोग यूज करते हैं। तो अब अगला टॉपिक है जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो है प्रकाशीय यंत्र। तो प्रकाशीय यंत्र में आपका प्राकृतिक तौर पे मानव नेत्र आता है और दूसरा आता है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो उनके हम कुछ कुछ पार्ट को दिखा देते हैं, यहाँ पे सारांश बता देते हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट होंगे। ऑब्जेक्टिव व्यू से आपको इस पाठ से जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो न्यूमेरिकल आएंगे, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट मैप है। और इसका आप इसी टाइप से किसी भी चीज को पढ़ने के बाद रिविजन्स जरूर करें, क्योंकि ये एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक्स है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाशीय यंत्र की, किसकी, प्रकाशीय यंत्र की। प्रकाशीय यंत्र
प्राकृतिक ने भी बनाया है, जैसे आंख जो प्रकाश की अनुभूति करता है, तो प्राकृतिक और हम लोगों ने भी बनाया है, वो हम लोग जो बनाए हैं, मानव ने जो बनाया है उसको हम कृत्रिम कहते हैं। अब जैसे मानव नेत्र हम लोग पढ़े हैं इसकी संरचना कि क्या क्या होता है, तो मानव नेत्र की दो चीजें आप तीन पार्ट में इसको पढ़िएगा। पहला चीज, आप इसका चित्र पूरी तरह से बनाना सीख जाइएगा। दूसरा चीज है कि इसका आप संरचना कि कौन कौन सा भाग कहाँ कहाँ होता है वो, और तीसरा चीज जो होता है वो इसका क्रियाविधि कि कैसे ये कार्य करता है, हम कैसे किसी वस्तु को रंगीन देखते हैं, छोटा या बड़ा वस्तु को हम किस रूप में देखते हैं, कहाँ पे क्या होता है, तो क्रियाविधि आपको पढ़ना चाहिए। ये तीन पार्ट में आप तैयार कीजिए। हाँ, इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है नेत्र दोष, मतलब आँख में मानव नेत्र में क्या क्या दोष होता है। तो सबसे पहला दोष आपको पढ़ना है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ये पीछे की क्लासेस में हो चुके हैं। तो अगर देखें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और दूर देख बिंदु निकट दृष्टि। इस नेत्र के कुछ और भी हैं कि नेत्र दोष कब आता है, जब निकट बिंदु, निकट बिंदु मतलब आंख का वो बिंदु या आंख से दूरी से वो बिंदु जो सबसे नजदीक, तो वो 25 सेंटीमीटर माना जाता है। और एक होता है दूर बिंदु, कौन सा दूर बिंदु, जो कि अनंत है। तो अगर ये दूर बिंदु और निकट बिंदु में आंख के इसमें अगर परिवर्तन आ जाए, मतलब हमें 25 सेंटीमीटर वाला ना दिखे या हमें दूर की वस्तुएं ना दिखे, तो हम कहेंगे कि नेत्र में क्या आ गया है, दोष आ गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रुटि इस टाइप के, तो निकट दृष्टि किस कारण से आता है, ये कारण आपको पढ़ लेने चाहिए कि क्या होता है नेत्र लेंस। और हाँ, इसका जो काम होता है ये निवारण होता है, तो निवारण होता है अवतल लेंस से। क्या होता है, अवतल लेंस से, परंतु वो अवतल लेंस का फोकस दूरी कितना होगा, तो जितना निकट बिंदु गड़बड़ होगा, जितना निकट बिंदु गड़बड़ होगा उतना ही दूरी का हम फोकस लेंस दूरी वाला अवतल लेंस लेंगे, तो निकट दृष्टि दोष दूर होगा। आगे कहता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो इसके लिए हम उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। कारण क्या होता है कि इसमें लेंस पतला हो जाता है, इस कारण से ये होता है, तो इसके कारण पे विचार कर लें। और इसका निवारण क्या है, उत्तल लेंस, परंतु इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी कितनी, तो इसकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी, चूंकि इसमें निकट बिंदु में गड़बड़ी आता है और इसमें दूर बिंदु में गड़बड़ी आता है। याद रखें, ये दूर बिंदु गड़बड़ है तब उसको निकट दोष कहते हैं, जब निकट बिंदु गड़बड़ है तो उसे हम दूर दृष्टि कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, दूर बिंदु गड़बड़, निकट बिंदु गड़बड़ है तो दूर दृष्टि दोष, निकट बिंदु में गड़बड़ी आता है और इसमें दूर बिंदु में गड़बड़ी आता है, मतलब इसको दूर की चीजें नहीं दिखेगी और इसकी नजदीक की चीजें नहीं दिखेगी, तो इसलिए इसको उत्तल लेंस और इसको अवतल लेंस से उपचारित किया जाता है। तो इसका क्या होता है, 25 और प्लस माइनस डी, तो इसका फोकस दूरी हम इतना लेते हैं, किसका, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, सीधे सीधे पूछा जाएगा प्रश्न के तौर पे कि अगर सेंटीमीटर में हो तो आप लेंस की क्षमता ऐसे भी निकाल सकते हैं। आगे आपका है जरा दृष्टि दोष, तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट तो आपको नहीं पूछा जाएगा, परंतु ये पूछ दिया जाता है कि जरा दृष्टि दोष किस कारण से होता है। तो जरा का कारण जो है वो है, जरा दृष्टि दोष वो है सिलियरी पेशियों में गड़बड़ी के कारण। आंख में एक भाग होता है जिसको सिलियरी पेशियां कहते हैं, तो उस सिलियरी पेशियों में, सिलियरी पेशियों में गड़बड़ी के कारण ये होता है।
उसके बाद है दोस्तों कि इसका निवारण, तो इसका निवारण किया जाता है द्विफोकसी लेंस से, इसका निवारण किया जाता है द्विफोकसी लेंस द्वारा, मतलब इसमें अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है। खास तौर पे उम्र बढ़ने के बाद ये बुढ़ापे में जनरली तौर पे ये माना जाता है कि ये दोष से ग्रसित हो जाते हैं। अबिंदुकता अगला है, अबिंदुकता, इनको कलर विजन भी कहा जा सकता है क्योंकि इनको एक ही कलर दिखाई देता है और इसके लिए इनको बेलनाकार लेंस, जो कि वर्णों को विक्षेपित करके इनको रंगीन दिखाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहले आपको क्या था कि कृत्रिम तरीके से अगर बात करें तो आवर्धन विभेदन और प्रकाश की एकमात्र क्षमता के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन, दूरदर्शी, ये सभी का भी प्रयोग आपका होता था। मतलब दो चीजों आपको पढ़ने हैं, एक है सूक्ष्मदर्शी जो कि अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा है दूरदर्शी जिसको दूरबीन कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटे चीज को देखने के लिए, दूरदर्शी मतलब दूरबीन, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो इसमें सरल में होता है दो टाइप का, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब दोनों में अंतर क्या है, सरल में क्या होगा, एक लेंस से बनाया जाएगा और ये मूल रूप से उत्तल लेंस से बनाया जाता है, परंतु संयुक्त में क्या होगा, इसकी बनावट और क्रिया विधि आगे के क्लासेस में पढ़ना, इसमें दो या दो से अधिक लेंस का प्रयोग करके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया जाएगा। दूरबीन का क्या है, इसमें एक होता है खगोलीय दूरबीन, एक होता है पार्थिव दूरबीन और एक होता है गैलीलियो दूरबीन। खगोलीय दूरबीन किसको कहते हैं, जिसमें खगोलीय पिंडों को देखा जाता है, जैसे मंगल ग्रह को देखा जाएगा, बुध ग्रह को देखा जाएगा, जिससे ग्रहों को देखा जाता है, उपग्रहों को देखा जाता है, उसे हम खगोलीय दूरबीन कहेंगे। और वो दूरबीन जो पार्थिव मतलब पृथ्वी पर देखा जाता है, जिसका दूरबीन का प्रयोग पृथ्वी पे होता है, उसे हम पार्थिव दूरबीन कहते हैं। परंतु एक पार्थिव दूरबीन और खगोलीय दूरबीन में पृथ्वी में जो होता है उल्टा दिखता है, तो इस चीज से निपटने के लिए गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाया और उस दूरबीन को से हम पृथ्वी पे भी प्रयोग करते हैं और ऊपर के, तो गैलीलियन दूरबीन मतलब गैलीलियो ने जो दूरबीन बनाया उसको हम गैलीलियन दूरबीन। तो दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी के रूप में हम लोगों ने दूर की वस्तुओं को और छोटी वस्तुओं को देखने के लिए निर्माण किए हैं। तो ये आपका पूरे पाठ का सारांश था, इसका आपको PDF भी मिल जाएगा अगर आप चाहें तो आप बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका रिवीजन से लेकर आपके पढ़ाई की सारी व्यवस्था इस चैनल पे है। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे।